लो जी, लद्दाख से आने के बाद एक बार तो वाशिंग आपने देख ही ली है, लेकिन बात बनी नहीं अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अभी भी है ना, कॉर्नर्स में चिपकी रहेगी। तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ उसको साफ़ करवाने। देख लो भाई, अगर लद्दाख अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो दो दो बार साफ़ करवानी पड़ेगी। तो जाके बात करेंगे, दिखाऊँगा आपको क्या क्या दिक्कत आएगी। हाँ, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। आप जैसे ये देखोगे यहाँ पर धूल मिट्टी, यहाँ पर ये हिस्सा, जैसे ये अभी पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, काला हो गया बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो यहाँ पर ये सारी सरफ से, और ये बीच वाला हिस्सा ये देखो, ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो पाया। तो ये सारा कुछ आज करेंगे। ये इधर देखो, तो छोटी छोटी चीज़ रहेगी जो मैंने नोटिस की है, और आधी से ज़्यादा मैंने नोटिस भी नहीं की अभी। हाँ जी, हाँ जी, ये आप बिना बात बने को नहीं। हाँ, ये अभी साफ करेंगे, साथ में लग के करेंगे। तो पूरे गंदे हो गए डोर डर, ये देखो इसमें बहुत मिट्टी घुस गई, और ये देख ही रहे हालात। तो अभी इसलिए मैं दोबारा से आ गया, उस साइड और दिखाऊंगा आपको। पीछे वाला साइड हो गया था साफ उस दिन, नहीं भाई पीछे वाला भी नहीं हुआ। देख रहे हो काला कितना है, ये देखे, ये देख रहे हो। तो ये सारा ना अभी ड्राई क्लीन करवाएंगे अब अंदर से, ठीक है। ड्राई क्लीन के वैसे पैसे कितने लगते हैं वो भी बताऊंगा आपको मैं। ये सारी ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी अब। बहुत बढ़िया, इससे बड़ी ड्राई क्लीन होगी अभी। स्पेशल केमिकल है कोई? शुरू कर दिया दोस्त। हाँ, ड्राई क्लीन यार, ये देख रहे हैं ना कितने काले भाई, ये करिए। मैं वैसे साथ में खड़ा रहूँगा तेरे भाई, लग रहा है। ड्राई क्लीन करने के लिए जो केमिकल है ये लगाएंगे एक कपड़े से, और दूसरे से इसको साफ करेंगे। ये देखो भाई ने बिल्कुल नया माइक्रोफाइबर क्लॉथ निकाला है। हाँ, ये सारे एक साइड करके, और ये बहुत गंदा हो गया बीच में से, मैं उस साइड से आता हूँ। ऐसे करते हैं भाई, देखो ड्राई क्लीन, ये उतार लो इसको, बाद में चिपका लेंगे ना। और एक काम और करना था, आवाज़ जो मारी थी ना, हाँ, जो अपनी ट्विटर है, ये ट्विटर के अंदर भी रेत घुस गया है, तो इससे वो सक कर लेना, वैक्यूम से होगा। और इसको है ना, इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं ना, ऐसे इसको उतार दें, इसको उतार देता हूँ मैं, उतार दें। और ये अंदर है ना जो एसी वेंट्स, ये भी करना है। हाँ बढ़िया, और ये बहुत मुश्किल से उतरता भाई, मोबाइल होल्डर ही उतार दिया वैसे। और भाई देखो बड़े ध्यान से कर रहा है, पानी वानी से कोई नुकसान तो नहीं होता ना इससे? अच्छा, ये जल्दी सूख जाता है केमिकल, है ना। ये बढ़िया यूज़ कर रहे हैं भाई, पूरा काला हो गया था डैशबोर्ड, तो ये जरूरी था। ये देखो भाई ऐसे साफ होता है। उस दिन आना ये सब कुछ रह गया था, बारिश भी आ गई थी उस दिन, तो अच्छे से हो नहीं पाया था। आग हो जाएगा अगर एक और भाई लगते हैं देखो, क्योंकि गाड़ी बड़ी है तो टाइम लगेगा इसमें। ऐसे होती है ड्राइकिन, बिल्कुल एक एक पॉइंट देख रहे हो। ये हो गया दरवाजा, और ये फ्रंट वाला भी होगा, देखो एकदम साफ निकल गया। चलो म्यूजिक ला देते हैं भाइयों के लिए। इस तरह से साफ हो रही है भाई, देख रहे हो ड्राई क्लीन हो रही प्रॉपर भाई। इसके बिना कैसे निकल सकती थी ये, देखो काला हो गया था बिल्कुल, ये साइड में जो कपड़ा लगा रहता है गत्ते पे। म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा अभी, आवाज़ तो आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही, ये पता नहीं क्या हो गया। वैसे एक बार मेरे पास रिपोर्ट तो आई थी इसकी, जैसे एच ओ साहब की गाड़ी में, उनका भी ऐसे हुआ था और ये ख़राब हो गया था, लेकिन वारंटी में है गाड़ी, तो चेंज हो गया था उनका, तो अपना भी होना चाहिए। चलो तब तक ड्राई क्लीनिंग चल रही है गाड़ी की, ड्राई कम है तो गिल्ली ज़्यादा है।
गिली गिली क्लीनिंग हो रही है ना, इसको ड्राई क्लीन पता नहीं क्यों बोलते हैं, बल्कि तो केमिकल के साथ उठती है। देखो जी बिल्कुल सही हो रहे हैं ना, एक एक पॉइंट एकदम से। देखो ये जो इसके अंदर है ना धूल भैया, वो भी साफ कर देना, छोड़ना नहीं। हाँ ये सीट बेल्ट भी, सीट बेल्ट भी होगी थी बिल्कुल काली है, बहुत बढ़िया भाई, खींच के ले लो। और अपना बुफर भी, बुफर तो वैसे लद्दाख गया नहीं था लेकिन फिर भी कपड़ा मार देना। चलो जी अब मिलेंगे आपको डायरेक्ट, पूरी साफ करने के बाद दिखाऊंगा, उसके बाद वॉशिंग भी होनी है। गाड़ी लग गई जी अपनी ऊपर, अभी मैं बता देता हूँ कि नीचे भी पानी मारना है, इंजन पे ही मारना है, और अपने जो पता ही आपको एम्पलीफायर के जो प्लग्स हैं उन पे पानी नहीं लगना चाहिए। ओके, साफ करने के लिए भाई ये इंजन पे भी लगेगा और गाड़ी के नीचे भी लगेगा, ठीक है। डीजल की जगह ये लो भाई, जो केमिकल मैंने दिखाया था वो इसमें डाल दिया है, और इसके ऊपर लगेगी ये गन, और इससे फुहारे के साथ मारेंगे सर। अच्छा सुनो, इसमें ना अपने वो है एम्पलीफायर की पॉइंट है इधर, उसके ऊपर पानी मत मारना, वो कर दे। गाड़ी के नीचे का व्यू दिखाऊं कुछ आपको, ऐसा हवाई कुछ लद्दाख से आने के बाद की कैसी दिख रही है गाड़ी। अपने एम्पलीफायर के बताना उनको, इधर वाले राइट साइड में ये एम्पलीफायर की तार है। ऐसे होती है जी केमिकल की जो लेयर होती है ना, जो नीचे चढ़ाई जाती है ऐसे। देखो जहाँ जहाँ पर जंग लगड़े का मतलब ऑप्शन है वहाँ सभी जगह ये केमिकल है, डीजल टाइप होता है ये, और इसको लगा देते हैं ताकि जंग ना लगे। अपनी पूरी बॉडी अंडर बॉडी पे लगा दिया है, तो साइडों में भी जहाँ जहाँ जगह है भाई वहाँ लगा रहे हैं। पास से दिखाऊँ आपको कैसे के लिए मार ही जाता है, वो तो अंदर तक गया क्योंकि जो अच्छा जमा हुआ होता है ना, तो रगड़ाई के लिए मार रहे हो अब, जो गया है जम गया एक जगह तो सारी जगह फैल जाए वो है। तो रगड़ाई कर रहे हैं जंग पे जो उसमें डिस्क प्लेट पे जो लगता है ना जंग, उसको भी देखो उसको भी छिड़क दिया। अब पूरी गाड़ी अपनी रस्ट फ्री हो जाएगी। जो प्रेशर से छिड़का हुआ था उसको अभी सभी जगह ना कपड़े से फैला देंगे, एकदम बढ़िया से लग जाएगा। अच्छा जहाँ पर जैसे तारकोल वगैरह के निशान लग जाते हैं ना रोड के, जो वो इसी केमिकल से उतरता है वो भैया, देखो उतार रहे हैं ना अगर, तो वो वही वेस्टेज जो चिपक जाता है बिल्कुल उतरता नहीं है वो उतार रहे हैं। पूरी गाड़ी पर लग गया है डीजल प्लस केमिकल, और आपको पास से दिखाता हूँ मैं थोड़ी सी, जहाँ पर ये जैसे चिकनाई सी नज़र आती है ना, तो ये मतलब डीजल लगा हुआ है, डीजल और केमिकल। यहाँ पर अंदर भी है ना, इसमें अंदर इसके जो नट्स हैं इनमें भी जंग लगा हुआ था ना, तो वो भी सारा साफ हो गया। लो जी ये नीचे वाला टायर भी बहुत मुश्किल साफ होता, देखो देख रहे हो कितनी मिट्टी लगी है, ये देखो। चलो ये भी साफ हो गया। लो जी अंदर की तरफ से भी है ना, लो अंदर की तरफ से और टायर अंदर की तरफ से, ये आपने रेयर देखा हुआ अपने साफ हो गए हैं। अब अगले पार्ट की तरफ चल रहे हैं। जब तक अपनी गाड़ी धुल रही है दिखाता हूँ आपको। देखो ये मैं तो एक एक चीज़ निकाल के ना बिल्कुल अलग कर करके धोए गए हैं, और ये अंदर अपना जहाँ मोबाइल रखने का होल्डर होता है, देखो इसके अंदर मिट्टी कितनी लगी है, इसको भी अभी धो के लगाएंगे। ये पीछे वाला जो कप होल्डर है अपने, उसके अंदर का रबड़ होता है, ठीक है। आई थिंक ये गिर गया, धो तो दिया था पहले, ये गिर गया, चलो इसको धो के लगा देंगे। ये अपने कर्टेन जो लिए थे लद्दाख जाने से पहले वो भी साफ़ कर दिए हैं, और ये अपने मैट, वो मैट के ऊपर की ग्रास थी ये मैट, ये भी साफ़ कर दिए।
आप देख रहे हो माइनर माइनर चीजें हैं जो नॉर्मली वॉशिंग में छूट जाती है, जैसे अंदर का पार्ट है ये छूट जाता है, इसके अंदर के भी यहाँ भी बहुत मिट्टी लगती है ये छूट जाता है, और अंदर की तरफ से आपने देख ही लिया होगा तो एक एक पॉइंट साफ हुआ है। वॉशिंग डन है, अभी सुखाने का काम चल रहा है, गाड़ी को सुखाएंगे अभी, और बहुत टाइम लगा भाई इस प्रक्रिया में, पूरा प्रोसीजर में आई थिंक लगभग 4.5 घंटे लगे हैं। लो जी गाड़ी रेडी है, अभी पुलिस लगा दो, चमकती रहेगी तब तक भैया, पुलिस लगा रहे दिखाता हूँ आपको, देखो इतना क्लियर हुआ, देखा हुआ आपने यहाँ पर बहुत काला कहा था, एकदम से बढ़िया, जैसी एजेंसी से आती है ना ये देखो वैसी साफ कर दिए भाई ने, एकदम बढ़िया। आगे दिखाता हूँ जल्दी से, सफाई के बाद डोर्स की कंडीशन देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है, सीट्स भी एकदम साफ, ये चीज़ें भी निकाल के एकदम साफ कर दी गई हैं, अल्टीमेटली बेल्ट भी साफ कर दी गई है, ये होता है जी ड्राई क्लीन का फायदा, इसमें देखा था ना आपने कितनी धूल मिट्टी थी गंदी, ये एकदम साफ बढ़िया। चलो जी हम संतुष्ट पूरे, लो जी इस काम में है ना सुबह से शाम ही होगी, चाबी कहाँ, चाबी यहाँ रखी, और बड़ी मशक्कत लगी भाई लेकिन साफ होगी आखिरकार गाड़ी अपनी, और चलो जी अब चलते हैं, और इस काम के यहाँ पर मात्र लगते हैं 1500 रुपये, 1500 रुपये में एकदम चकाचक, लद्दाख से वापस आ रहे हैं तो 1500 रुपये प्लस लेके चलना भाई, आपकी गाड़ी का साफ करने में लग जाएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती चैनल पे, आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद। आदि रामूर्ति जी, हाँ सामान ले लिया सारा, सामान ले लिया जी सारा, ठीक हाँ चलो जी ठीक है जी, सब्सक्राइब करवा दो।